प्रभात पेरिस के पराक्रम की तो कल का दिन देखें तो कल के दिन हॉकी को छोड़कर बाकी सभी खेलों में भारत को निराशा हाथ लगी, लेकिन आज एक बार फिर भारत को पदक की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आज किन किन खेलों से, किन खिलाड़ियों से भारत को पदक की उम्मीद जगी है। रिपोर्ट देखिए। देखने वाली बात यह है कि आज भारत की मेडल सूची में कितने पदक जोड़ पाते हैं। कॉलेज मैदान में आकर हुई संपन्न। चेन्नई में पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल। चेन्नई 20 से कटपाड़ी जंक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू। इसराइल पर ईरान आज कर सकता है हमला, अमेरिकी मीडिया का यह दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स चीफ पहुंचे इसराइल। ईरान हमास चीफ की मौत का ले सकता है बदला। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ फिर बढ़के हिंसा। बांग्लादेश हिंसक प्रदर्शन में 91 लोगों की मौत। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कर्फ्यू जारी। हिंसा के बाद भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की यात्रा ना करने की सलाह दी। इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के बाद फूटा गुस्सा। लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए, कई जगह आगजनी हुई। हालात पर काबू पाने में जुटी है पुलिस। ब्रिटेन में अप्रवासियों के खिलाफ भड़की हिंसा। बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश को संबोधित करते हुए दंगाइयों को दी चेतावनी। कहा, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों में एक होटल में दंगाइयों ने लगाई आग। दंगाइयों ने शरणार्थियों को ठहराने वाले होटल को जला दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट की चेतावनी का, इजराइल रक्षा के लिए बहुत मजबूती से तैयार है, हमला करोगे तो कीमत भी चुकाओगे। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि दरअसल जापान के टोक्यो में दिखा सावन का अच्छा खासा माहौल, क्योंकि शिव भक्तों ने वहां पर कावड़ यात्रा निकाली। प्रवासी भारतीय कावड़ यात्रा में शामिल हुए। इटली के एटना ज्वालामुखी में विस्फोट। कई किलोमीटर तक लंबे उठे लावा के फवारे। आसमान और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी भी मची है। यमन के हौती विद्रोहियों ने वीडियो जारी कर किया दावा का। हवा में मार करने वाली अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया था। वीडियो में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन का मलबा भी दिखाया गया। गाजा के 2 शहरों में इजरायली सेना का भीषण हमला। स्कूल पर हुए हमले में 25 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यरूशलम में एक राजकीय स्मारक समारोह में कहा, जो कोई भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।
इधर बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, जगह जगह हिंसा और प्रदर्शन हो रहे हैं, 91 लोगों की मौत हो गई है, तो पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच रविवार को भीषण झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 51 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए, जिसके कारण अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू करना पड़ा। ये झड़प रविवार सुबह उस समय हुई जब नौकरी कोटा प्रणाली पर सरकार के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग के साथ भेदभाव के खिलाफ छात्रों के बैनर तले असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को आवामी लीग छात्र लीग के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये ताजा झड़पें पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद शुरू हुई। ये प्रदर्शनकारी विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। अब तक 11,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे बिहार के सीतामढ़ी की, जहां पर कावड़ियों से भरा एक ट्रैक्टर अचानक से पलट गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये पूरा हादसा कैसे हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। कावड़ियों से भरा ट्रैक्टर रविवार शाम को भीषण हादसे का शिकार हो गया। सीतामढ़ी के सोनबरसा के प्रसिद्ध मड़ियाधाम मंदिर से जलाभिषेक कर नेपाल लौट रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर नेपाल के मलगावां से सटे गमिहार स्थित बागमती नदी के नहर में पलट गया। ट्रैक्टर पर कुल 25 श्रद्धालु सवार थे, इनमें 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए, एक की मौत की सूचना है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 54 साल की महिला कावड़िया की मौत हो गई, जबकि 4 कावड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नहर से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। भारत का बॉर्डर पार करते समय नेपाल में कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर भीषण हादसे का शिकार हो गई। आसपास के लोगों को जैसे ही वाहन पलटने की भनक मिली, सभी अपने काम छोड़कर दौड़ पड़े। महिलाओं को महिलाएं संभाल रही थी, वहीं पुरुष व महिलाएं पानी में उतरकर सभी को निकालने में मदद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने के बाद बागमती नदी के नहर में ट्रैक्टर पलट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब उत्तर प्रदेश के बाद असम सरकार भी लव जिहाद कानून लेकर आने वाली है, और नए प्रावधानों के मुताबिक जो भी दोषी पाया गया उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पूरी खबर एक मिनट के रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी की तर्ज पर अब जल्द असम में भी लव जिहाद कानून लाने की तैयारी है। असम में भी लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। देश को एक बहुत बड़ा लाभ जिहाद का खिलाफ कानून का जरूरत है। ये टर्म जो है ना, वो ये बीजेपी की नई टर्म है। अब लव जिहाद की श्रेणी में डाल के आप उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। हनी ट्रैप आप करवाएंगे फिर इसका मतलब लोगों से, और उसके बाद उम्र कैद करा देंगे। कोई भी इल्जाम कैसी भी लगा सकता है, इसका कितना जबरदस्त मिसयूज होगा। शर्मा ने ये भी कहा कि जल्द एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार के नौकरियों के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी। अब विपक्षी दल हेमंता के ऐलान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए हम आपको दिखाते देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे कुदरत की विनाशलीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत ने जगह जगह जमकर कहर बरपाया, चाहे केरल से लेकर कश्मीर तक की बात हो, असम से लेकर उत्तराखंड तक की बात हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वो केरल में हुआ है और साथ ही उत्तराखंड में भी। तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ, सोनप्रयाग, रामपुर, कुल्लू, शिमला, वायनाड, सागर, भोपाल, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि कैसे शहर शहर संकट प्रचंड देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्य जो कि कुदरती
कहर की मार झेल रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है और केरल के वायनाड में हुआ है। इसके अलावा असम में भी भारी तबाही मचाई है। आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और अभी भी बारिश और बाढ़ का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप देखिए केदारनाथ में कैसे जो लोग फंसे हुए थे, क्योंकि वहां पर भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लोग फंसे हुए तो एक एक कर उनको रेस्क्यू किया गया। तो वहीं सोनप्रयाग में भी हालात बेहद खराब है। रामपुर, कुल्लू, शिमला, वायनाड, सागर, भोपाल में भी